एवरी वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो कि मैंने आज क्रिएट किया है बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप किया है और बहुत ही जल्दी किया है बिकॉज फेस्टिवल्स पर इतना टाइम नहीं होता कि आप वन आवर टू आवर लगा के एक प्रॉपर मेकअप लुक करो एंड इस लुक को आप सिर्फ और सिर्फ टेन मिनट्स में कर सकते हो बहुत बहुत ही सिंपल बहुत ही ग्लोई मैंने ये मेकअप किया है सो या विदाउट एनी फर्दर रेडियो लेट्स गेट स्टार्ट ऑल राइट गाइज तो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं पॉन्स का मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एन वाई बे का प्राइमर इसे मैं अपने पोर्स को फिल करूँगी जिससे हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छा फ्लॉलेस आता है उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पल एल्यूमिनेटर ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर देता है आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है आप देखो जिस तरह की स्टॉप कीम होती है ना ये कुछ उस तरह से काम करता है और ऑलरेडी मेरे फेस पे काफ़ी ग्लो आ गया है इसे अप्लाई करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन इन द शेड नंबर 128 ये मेरा परफेक्ट मैच फाउंडेशन है अगर आप फेयर स्किन टोन में हो तो आपको ये परफेक्ट मैच जाएगा और इसकी मीडियम टू हाई कवरेज है मतलब अच्छे से कवरेज दे देता है ये और बहुत सही लगता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है बिल्कुल भी केक ही नहीं होता और मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके बाद बस डैप डैप करके इस तरह से अपने फाउंडेशन को मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम जाता है तभी आपका जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस बनता है अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एस एफ आर की फ़ेस पैलेट इसमें ब्राउन्जर है हाइलाइटर है दो शेड हैं इसके अंदर ब्लश के एक पीच और एक पिंक तो पहले मैं थोड़ा सा ब्राउन्जिंग करूँगी मैं कोई कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं करूँगी आज उसके बाद इसी पैलेट में से मैं पीच वाला जो ब्लश है वो लूँगी और ब्लश को अप्लाई कर लूँगी और मैं ना फ्रंट साइड में चिक्स पे ब्लश नहीं लगाती हूँ ऐसे इस साइड में मतलब इस तरह से लगाती हूँ क्योंकि वरना मेरे जो गाल है ना वो और ज़्यादा मोटे मोटे लगते हैं तो इस तरह से लगाते हैं तो काफ़ी फीचर भी एनहेंस लगते हैं और ठीक लगता है इसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का मुझे हाइलाइटर लगाना इतना पसंद आने लगा है ना बहुत ही बढ़िया लगता है और देखो लाइट मेरी नोज़ देखो आप कितनी शाइन करने लगी है जरा सा लगा के और बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट हाइलाइटर है और जितने भी हाईएस पॉइंट है उस सब तो पर मैं लगाऊंगी मैं इस तरह से फॉरेड पर भी जरूर लगाती हूँ क्योंकि जब भी लाइट पड़ती है ना तो आपके फॉरीड पर एक शाइन सी आ जाती है आप देखो आप कितना अच्छा लग रहा है बेस ऑलरेडी रेडी हो गया है उसके बाद सेम पैलेट में से जो पीच वाला शेड था ना उसी को लेके मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से लगा लिया बस मैंने उसके बाद सेम शेड को लेके मैं अपनी पूरी आईलिड को फिल कर लूँगी सेम पीच शेड से एंड देन सेम जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है ना उस हाइलाइटर को लेके मैं सेंटर लिट पे अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर से सेंटर लिट तक बस आउटर कॉर्नर को मैं थोड़ा डार्क ही रखूँगी और इसी हाइलाइटर को इस तरह से मैंने एज अ आई यूज़ कर लिया मैंने कोई भी आई पैलेट इस मेकअप में यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी ड्रेस के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ग्लिटरी सा आई चाहिए था गोल्डन में तो मैंने हाइलाइटर से ही कर लिया उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का काजल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी एंड अगेन मैं मेबलिन का ही लाइनर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छा लाइनर है लाइनर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बट मुझे ये ठीक लगता है इसका जो ब्लैक कलर है ना वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक देता है मुझे ऐसा लगता है तो मैं इसीलिए इसको ज़्यादातर अप्लाई कर रही हूँ आजकल उसके बाद अगेन मैं मेवलिन का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ बट ये मस्कारा ना काफ़ी थिक हो गया था हम रखे रखे मुझे ऐसा लग रहा था ये काफ़ी थिक हो गया है आ, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रीमी लग रहा था तो मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा लगा के बट ठीक था अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और ये इतनी छोटी हो चुकी है तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसे कितना यूज़ कर लिया है एक नेचुरल फिनिश देती है डार्क ब्राउन शेड में है नेचुरल ब्राउन में सॉरी और इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज़ को फ़िल कर लूँगी इससे पूरा मेकअप का लुक जो है वो चेंज हो जाता है अब लिप्स मैंने लिप बाम लगाई हुई थी तो उसे मैं रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पर मैं मिबलिन की ही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ पिंक शेड है बहुत ही प्यारा आज मेरा मन किया तो और ये एकदम बटरी सॉफ्ट लिपस्टिक है बहुत ही अच्छी बट ये शेड ना मुझे इतना पसंद नहीं आया तो मैंने एक न्यूड लिपस्टिक से थोड़ा सा टॉपअप किया फिर मैंने ये वाले ईयर पहन के देखे तो मुझे नहीं अच्छे लगे फिर मैंने ये वाले पहने तो मुझे अच्छे लगे मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट है और मैं मैरिड हूँ तो इसी मैं हमेशा फेस्टिवल्स में या वैसे भी सिंदूर लगाते हैं तो बस मैंने ये लगा लिया उसके बाद मैंने अपनी ये बैंगल्स पहन ली ये जो बैंगल्स हैं ना ये मैंने जयपुर से ली थी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और दिस इज़ माई फाइनल लुक बहुत ही जल्दी किया बहुत जल्दी कर सकते हो आप बहुत कम प्रोडक्ट के साथ देखो कितना अच्छा लुक हो गया कोई आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ नहीं की कोई मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे दो तीन घंटों के लिए ही बस ये मेकअप करना है और बहुत ही ग्लोई बेस बनाया मुझे बहुत पसंद आया आप देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेन मिनट्स में आप इस मेकअप को कर सकते हो सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक तो मैंने अपने बालों को पहले चेंज किया था अब मैंने थोड़ा सा अपने ईयर्स को चेंज कर लिया है एंड ये ईयर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और नेक में मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट सा पहन लूँगी पहन सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी नेक पर काफ़ी वर्क है तो आप सिंपल सा एक चेन पैंडट भी पहन सकते हो तो मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और बालों को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है ज़्यादा कुछ वैसे भी फेस्टिवल पर इतना करने का टाइम नहीं होता है एंड आई लैशेज़ बिल्कुल ऑप्शनल हैं मैंने दोनों तरह के लुक आपको दिखाए हैं कि बिना लैशेज़ के कैसा लुक लग रहा था और लैशेज लगाने के बाद थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है सो so, ये ही फाइनल लुक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय